प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अधर आप सबके भिन्न। वेलकम टू सत्या भाई रवि चैनल। आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी शुभकामनाएं। गणपति पप्पा मोरिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हमारे गणपति पप्पा के बारे में ही बात करने वाला हूँ। दरअसल हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? गणेश चतुर्थी इसलिए मनाते हैं, वो दिन है जिस दिन हमारे गणपति पप्पा को हाथी का सर दिया गया था। उसी दिन को हम इंद्रलोक के सारे देवताओं ने मिलके हमारे गणपति पापा को हाथी जैसे जानवर का सर उन्हें लगाया गया था। उसी दिन से ही गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। उसी दिन को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी हम एक मात्र एक त्योहार है जो हम सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले में बनाते हैं। जैसे ले मोहल्ले में बनाने का मुख्य कारण क्या है? ऐसे तो काफी त्योहार आते हैं, जैसे कुछ दिन पहले कर हमारे देश में जय श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन मनाया गया था। क्यों उसे सारे मोहल्ले में क्यों नहीं मनाते हैं? क्यों उनकी मूर्तियां रख के नहीं बनाते हैं? सिर्फ हमारे गणेश भगवान की ही क्यों हर मोहल्ले में मूर्ति रख के उनकी पूजा की जाती है? दरअसल हकीकत में एक कारण है। जब अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया था, तब हमारे फ्रीडम फाइटर थे तात्या तोपे, जो महाराष्ट्र में नासिक में उनका जन्म हुआ था और काफी बड़े फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। दरअसल उन्होंने एक वहां अपने गांव के लोगों से मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसमें हम गणेश चतुर्थी से अपने घर में नहीं बल्कि अपने मोहल्ले में रख के मनाएंगे। दरअसल कारण यह है क्योंकि अंग्रेज लोग हम सबको भगाते थे, एक साथ मिलने नहीं देते थे क्योंकि हम आजादी की तैयारी करते थे। तो इसलिए अंग्रेज लोग हमें एक साथ मिलने नहीं देते थे। अगर 10-15 लोग एक साथ मिलना चाहते थे, एक साथ मिलकर बात करना चाहते थे, किसी भी तरह की एक साथ मिलकर बात करना या किसी आंदोलन की तैयारी करना, तो अंग्रेजों को पसंद नहीं था और इसके कारण वो लोग मार के भगा देते थे। तो इन सब से बचने के लिए और हम अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तो हमारे तात्या तोपे ने क्या किए कि इस तरह उन्होंने उनको योजना उन्होंने सूझा सूझा था कि हम हमारे मोहल्ले में गणेश चतुर्थी मनाए। इसलिए उन्होंने क्या किए, हम गांव वाले से मिले, गांव वाले से बात किए कि हम गणेश चतुर्थी मनाए, पूरे मोहल्ले में बनाए और 10 दिन रखे। सुबह उन पूजा की जाएगी और शाम को भी पूजा किया जाएगा। उस वक्त जब हम सब एक साथ मिलेंगे तो अंग्रेज हमें रोकेंगे नहीं कि धर्म के नाम पे वो लोग हमें टोकेंगे नहीं। तो इस बहाने को उन्होंने जबरदस्ती कर दिया कि हम हर साल गणेश की मूर्ति रखेंगे और इस तरह हम सुबह शाम मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ये कह गए कि हम पूजा करने वाले हैं। तो इस तरह रोज भगवान की पूजा करते थे, आरती करते थे, फिर इस बहाने सब एक साथ सब मिलते थे और आजादी के लिए सारी बातचीत करते थे। सारी जितने भी योजना लोग थे ये लोग योजना करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए। इस बहाने को रख के ये इस तरह मनाते थे। तो ये क्या हुआ, जैसे जमाना बदलता गया उन्होंने किए, फिर हाँ फिर उसके बाद हमारे दादाजी ने किए, फिर हमारे पिताजी ने किए, फिर हम करने लगे हैं, फिर आने वाली पीढ़ी को भी हम ये सिखाएंगे। तो इस तरह ये एक रिवाज बन गया और ये चलता रहा, चलता है। चलिए, वो उस वक्त तो वो समय था कि हम अंग्रेजों से लड़ते थे तो आजादी के लिए हम इस तरह ये एक बहाना बना के हमने चालू कर दिया। पर आजकल का जमाना है कि हम इस तरह मनाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या जवाब है? चलो आज हम मना रहे हैं, उसके लिए क्या जवाब है? दरअसल आप देखते हैं कि लोग आधे से ज्यादा अपना समय सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। ये एक तरीका है लोगों का मिलना, लोगों से बात करना, अपने मोबाइल से अलग होके या तो फिर अपने फेसबुक व्हाट्सएप से कुछ छोड़ के इस तरह लोगों को एक साथ मिलना, एक साथ बातें करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने इलाके में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई में अव्वल नंबर आए हैं या तो फिर अपने स्पोर्ट्स में खेलकूद में अव्वल नंबर आए, उनको एक तोहफा देना और उस तरह उन्हें उत्तेजित करना कि वो और करे और जिंदगी में आगे बढ़े, उस तरह प्रोग्राम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब बच्चों को
वो दान दिया जाता है, एक पढ़ाई के तौर में या तो फिर एक खाने के तौर में, इस तरह दान दिया जाता है। तो एक एक तरीका है, एक डेवलपमेंट है, इस तरह हम बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में, एक छोटा छोटा करके, या तो फिर किसी को एक पौधा देना, लोगों को पौधे पौधे बांटना ताकि अपने घर में उगाए, एनवायरमेंट साफ रहे, ग्रीन ग्रीन एनवायरमेंट रहे, क्लीन इंडिया रहे। तो एक अच्छे से तरीके हैं, इस तरह करके हम काफी बदलाव ला सकते हैं। एक अच्छा तरीका है कि आजकल के जमाने के ऐसा हम कुछ बदलाव ला सके। उन जमाने तो अंग्रेजों के साथ लड़के आजादी के लिए थे, जब बड़े बुजुर्गों ने जब हमने आजादी मांग के दे दिया है, तो इस वक्त हम क्या कर सके, क्या बदलाव ला सके, ये हमें सोच के हमें से आगे बढ़ाना है। बस यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सत्या भाई चैनल को आप कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आप कहना चाहता है, नहीं रखिएगा मन में, कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।